नमस्कार दोस्तों, मैं अंगद कुमार गुप्ता एक बार फिर स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल पे। तो आज हम आपको लेके जा रहे हैं बैलेंसिंग रॉक और शारदा माता मंदिर और शनि भगवान का मंदिर। तो ये चलते हैं। आप जस्ट ये मदन महल के नीचे पर हम लोग हैं। आपने पिछला वीडियो देखा होगा मदन महल का, जो रानी दुर्गावती किला के नाम से जाना जाता है। अभी हम जबलपुर में स्थित हैं और जैसे ही आप मदन महल के नीचे उतरेंगे तो आपको ये शारदा माता का मंदिर दिखाई देगा। थोड़ा राइट साइड में है, बहुत लगभग 50 से 100 मीटर की दूरी पर है। थोड़ा सा ऊपर में चढ़ेंगे तो आपको एक छोटा सा लेकिन बहुत ही सुंदर शारदा माता का मंदिर दिखाई देगा। और यहाँ पे हम लोगों ने पूजा अर्चना किया और बहुत ही शांत जगह है, आपको बहुत ही सुकून महसूस होगा। और पूजा करके हम लोगों ने थोड़ा समय यहाँ पर व्यतीत किया। आप गाइस, अभी आपने यदि मदन महल का वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके प्लेलिस्ट में वो वीडियो देख सकते हैं। और जैसे ही नीचे उतरेंगे तो बिल्कुल मदन महल के ठीक सामने एक शनि भगवान का छोटा सा मंदिर है, जहाँ पे ये देख पा रहे हैं शनि जी का पूरा परिचय भी लिखा गया है और ये देख पा रहे हैं शनि जी का मूर्ति। और उससे थोड़ा सा आगे ही बढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको मिलेगा बैलेंसिंग रॉक। ये बहुत ही प्रसिद्ध है। जबलपुर जब भी आइएगा तो बैलेंसिंग रॉक देखने ज़रूर आइए। एक बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से बहुत बड़े पत्थर के ऊपर एक छोटी सी जगह पर टिका हुआ, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे, उसके ऊपर एक और बड़ा पत्थर। और ऐसा कहा जाता है कि कई बार भूकंप भी झेल चुका है लेकिन नीचे गिरता नहीं है। और ये भी कहा जाता है कि कई लोगों ने उसे गिराने का प्रयास भी किया हुआ है। देखिए कितना छोटा सा जगह पर यह प्राकृतिक रूप से बैलेंस किया हुआ है। इसका नाम है बैलेंसिंग रॉक। देख पा रहे होंगे आप, बहुत ही आश्चर्य की बात है। और यहाँ पे जो भी आता है टूरिस्ट वो आश्चर्यचकित होके जाता है। तो गाइस, आशा करता हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा ये वीडियो देख के। और हम लोग भी यहाँ पर यही सोच के आए थे कि कितना अमेजिंग होगा, और जितना सोच के आए थे उससे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। ये देख पा रहे होंगे आसपास जंगल ही जंगल है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।